मुझे गलत मत समझिएगा दादू, मैं आज भी आपकी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी पहले करती थी। और आई लव यू दादू। नैतिक की गाड़ी? नैतिक आए हुए हैं क्या? अब गिर जा, अब तुम इसका डायपर चेंज करो और पानी पिला के ऊपर ले आना। जी। नैतिक आए हैं? नैतिक, आप इस वक्त घर पे? क्या हुआ? नैतिक, क्या ढूंढ रहे हैं आप? बताइए ना, मैं ढूंढ देती हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी परेशानी की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं। आप मुझसे नाराज हैं नैतिक? आज फिर कुछ हुआ क्या? नैतिक देखिए, बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? ना बताने की आदत आपको है अक्षर, या फिर ये कहिए कि बताना कुछ और करना कुछ और। मैं समझी नहीं। जानबूझकर अनजान मत बनिए। कहाँ गई थी आप? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास या फिर दादू से मिले? नैतिक, दादू तो मुझे। बस अक्षरा, कुछ मत कही। मैं सब जानता हूँ। झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको और दादू को एक साथ। हाँ नैतिक, लेकिन मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता अक्षरा। अच्छे थे क्या? अभी भी हमारे संबंध अच्छे ही है। बच्चों की लड़ाई अपनी जगह और हमारे संबंध। मुन्ना, इस वक्त तू घर पे? हे भगवान, कितने गुस्से में था ना। हाँ, अब पता नहीं और क्या हो गया। गिरिजा, बहू कहाँ? ऊपर कमरे में। माँ, शौर्य आ गए। आ जा बेटा, आ जा। और बेटा, कैसा दिन रहा दफ्तर में आज? जमाईसा से बात हुई कुछ? नहीं माँ, मेरी मीटिंग थी तो ऑफिस से जल्दी निकला। बेटा, पर तूने तो कहा था कि तू आज। मुझे पता नहीं क्या कहा होगा जमाईसा ने अक्षरा से। शौर्य की माँ क्या कर लेंगी आप इस तरह परेशान होकर? परेशानी किसी भी समस्या का हल नहीं है। कितनी बार कह चुके हैं हम आपसे इस बात को। जी तो क्या करूं मैं, आप ही मुझे बताइए। जमाईसा और शौर्य दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बीच में मिस कौन रहा है? हमारी बच्ची अक्षरा। ना तो भाई का साथ दे सकती है, ना पति को कुछ कह सकती है। कोई उसके बारे में भी तो सोचे। ये हो यार राजबन ना, वो त्रिशाला वाली डिजाइन में गड़बड़ हो गई। 2 दिन बाद डिलीवरी है। इतने कम समय में नए पीस मंगवाकर हम बनाकर भी नहीं दे सकते और जो है वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे। तो फिर उनसे बात करके समय ले लो। ऐसा है दद्दा जी, आज तक मुन्ना ही बात करते आया है उनसे। मुन्ना, तुम बात करके देखो। ठीक है बाबूजी, आप मुझे डिजाइन कॉपी और फोटोज मेल कर दीजिए। बेटा वो तो दफ्तर में है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। दोपहर तक डिजाइनर भी आ जाएंगे, उनसे मिल लेना और फिर बात कर लेना। ठीक है, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। जरा एक मिनट ऑफिस में मैं बता दूं। जी मैनेजर साहब। जी आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। दरअसल मैं किसी अर्जेंट काम की वजह से अपने दूसरे ऑफिस जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। चलिए बाबू, अर्जेंट काम। शुक्रिया सर। तो होने को आई और जमाईसा ने अभी तक वो फाइल नहीं भिजवाई। कब पेपर्स तैयार होंगे, कब भिजवाएंगे? मैनेजर साहब जरा मेरे कैबिन में आइए।
ये आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, नैतिक जी से पूछे कि डीलर्स वाली फाइल तैयार हो गई क्या? पर सर, नैतिक सर तो आज ऑफिस नहीं आए।